हेलो गाइस, स्वागत है एक बार और मेरे यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं बी ब्लॉग्स प्लैनेट। तो आज हम बात करेंगे फोन पे फ्रॉड के बारे में। जिसे हिंदी नहीं समझ आता है वो जाके इंग्लिश वीडियो देख सकते हैं और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इफ एनीवन डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज देन प्लीज़ चेक आउट द वीडियो रिगार्डिंग द फोन पे फ्रॉड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप लोगों में से बहुत लोग के साथ फ़ोन पे फ्रॉड हुआ होगा, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कैसे फ्रॉड हुआ था और इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। तो मैं ना यार इस वीडियो के एंड में एक ऑडियो क्लिप डाल दूंगा, वहाँ पे कैसा फ्रॉड हुआ मेरे एक फ्रेंड के साथ वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप प्लीज़ उस ऑडियो को सुन लेना लास्ट में। और हम बात करते हैं यार कि कुछ फ्रॉड किस टाइप का होते हैं, कैसे करते हैं फ़ोन पे वाले या गूगल पे वाले। तो उसमें चार आता है। पहला आता है फेसबुक, और फिर रिलेटिव, फिर कैशबैक, और फिर लिंक या मैसेज। ये सारा होता है एक लिंक से या तो QR कोड से, और ये सारा फ्रॉड होता है बस एक फ़ोन कॉल से। तो जैसे फ़ोन कॉल्स आते हैं, यदि आप फ़ोन पे ओपन करोगे और किसी फ्रेंड्स का चैट ओपन करोगे या गूगल पे में भी करोगे, तो एक नीचे जहाँ मैसेज टाइप आता है उसके बगल में दो ऑप्शन रहते हैं, पे और रिक्वेस्ट। तो यदि आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करते हो और रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पे अमाउंट डालते हो कि 500 रुपये मुझे दे दो ऐसा रिक्वेस्ट करके, और जब उसको सबमिट कर देते हो या डन कर देते हो, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ्रेंड के फ़ोन में चला जाता है। और जब फ्रेंड अपना फ़ोन खोलता है ऐप में या नोटिफिकेशन बार को स्लाइड करके, तो नोटिफिकेशन में आता है पे टू योर फ्रेंड, और वहाँ नोटिफिकेशन में कितना अमाउंट आपने रिक्वेस्ट किया है उससे, वो रिक्वेस्ट का अमाउंट वहाँ डला हुआ होता है, और एक ऑप्शन होता है पे का आपके फ्रेंड के फ़ोन पे। तो जब वो पे करेगा, तो पे करने के बाद अमाउंट तो पहले से सेलेक्ट डिसाइडेड हुआ था, डिसाइड है ऑलरेडी कि अमाउंट इतना है। उसके बाद उसने डायरेक्ट पे किया और अपना पासवर्ड डाला, और उस पासवर्ड डालने के बाद उसके बैंक से या फ़ोन पे या गूगल पे जो भी है उससे उसका पैसा कट के वो पैसा आपके में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बनाया गया था फ़ोन पे और गूगल पे को हमारे लिए ईजी एक्सेस के लिए, लेकिन अब इसी के ज़रिए हो रही है फ्रॉड। तो आइए हम बात करते हैं, पहले होता है फेसबुक से। तो फेसबुक से कैसा होता है कि आप लोग में फेसबुक आईडी हुआ, आपके पास फेसबुक प्रोफाइल होगा या इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगा, तो लोग जो स्कैमर है वो स्कैमर आपके प्रोफाइल को एनालाइज करता है पहले कि हाँ भाई इसको कौन फॉलो कर रहा है, या फेसबुक में कौन फ्रेंड है, इसके फ़ोटो में किसके कमेंट्स है। और जो कमेंट्स बहुत पुराना रहता है, जैसे आपके पुराने फ़ोटो में जाके कमेंट्स देखेंगे और नए फ़ोटो में कमेंट्स नहीं है, तो वो एक ऐसा गेस करके कॉल करेंगे कि जो पुराने कमेंट्स में जिस फ्रेंड का नाम है उस नेम से आपके पास कॉल करेंगे यूज़ करके उसका नेम को, कि भाई मैं ये आदमी बोल रहा हूँ या ये आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ बहुत पुराना, यार मैं एक ट्रबल में हूँ, क्या आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि हाँ भाई कर दूँगा, तो वो बोलेगा कि यार मेरा कोई फ्रेंड है, उसने मुझे पेमेंट कर दिया है या पेमेंट करने वाला है, तो वो पेमेंट मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दूँ क्या, फिर तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि मेरा फ़ोन पे अभी एरर बता रहा है या बैंक एरर बता रहा है या अभी फ़ोन पे नहीं है, मुझे टाइम लग जाएगा थोड़ा सा बनाने में। तो आप बोलोगे कि हाँ भाई दोस्त बोल रहा है, पुराना दोस्त है, आपने कभी डिटेल ही नहीं निकाल पाया कि कौन सी दोस्त है। तो अब बस क्या करोगे कि हाँ कर दोगे उसे, तब फिर उसके बाद हाँ करने के बाद वो फ़ोन पे नंबर ले लेगा आपके, आपसे मांग लेगा स्कैमर, और वो सेम अपने ही फ़ोन पे से खोल के आपको रिक्वेस्ट करेगा 9,000 अमाउंट या 10,000 अमाउंट, और वो चला जाएगा आपके कहाँ, फ़ोन पे या गूगल पे के नोटिफिकेशन बार में। और जब फ़ोन पे फिर वो दोबारा कॉल करेगा कि भाई चेक करना यार, बोलोगे कि हाँ चल चेक करता हूँ, और जब चेक करोगे तो ऊपर नोटिफिकेशन में रहेगा कि ये दैट योर फ्रेंड जो स्कैमर है उसका नाम से कि हैज़ रिक्वेस्टेड 10,000 रुपीस, और एक रहेगा पे और रहेगा डिक्लाइन, या डिक्लाइन रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, तो उसको डिक्लाइन कर देना। बट यदि पे रहेगा तो तुम्हें क्या लगेगा कि जो स्कैमर कॉल किया है तुम्हारा फ्रेंड बनके, तो वो फ्रेंड का पैसा तुम्हारे तक पहुंच गया है, अब उसे क्या करना है, तुम्हें पे करना है। बट रियलिटी में वो पैसा आया ही नहीं है, क्योंकि वो अमाउंट रिक्वेस्टेड है, वो मैसेज पढ़ो रिक्वेस्टेड अमाउंट है, तो तुम वहाँ पे क्या कर दोगे पे, क्योंकि तुम्हें पता है नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, तो पे कर दोगे। और पे करने के बाद पासवर्ड डालोगे, तो वो पासवर्ड जैसा अपना डाला फ़ोन पे या गूगल पे का, तो वो जो अमाउंट रिक्वेस्टेड अमाउंट था वो अमाउंट तुम्हारे बैंक से कट के स्कैमर के पास चला जाएगा।
फिर तुम कॉल करते रहो, उसे गाली दो या सुसाइड करने की धमकियाँ दो, या बोलो पुलिस केस कर दूंगा या ये कर दूंगा वो कर देगा, इज नॉट गोना लिसन यू। वो कोई बात तुम्हारी नहीं सुनेगी, वो बस यही बोलेगा कि भाई जा, जो करना है कर ले। अब तुम केस कैसे कर सकते हो उस पर? उसका सिम फेक है, वो अपना आधार कार्ड भी भेजेगा तो आधार कार्ड भी डाउनलोडेड रहेगा कहीं से भी, आधार कार्ड फेक रहता है इनका, इनका सिम फेक रहता है, ये अपना नाम ओरिजिनल कभी नहीं बताएंगे। यदि नाम तो बताएंगे ही, बट वो अपना ओरिजिनल नाम कभी नहीं बताएंगे, हो सके तो अपना आधार कार्ड भी दे दे, बट वो ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं रहेगा, वो भी फेक आधार कार्ड रहेगा। ये बस ऐसा करते हैं ट्रस्ट जीतने के लिए। और सेकंड आता है रिलेटिव। मैंने काफ़ी सुना है यार, मेरे सब्सक्राइबर लोग ने भी कमेंट किया था कि भाई ऐसे हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो रिलेटिव बन के क्या होता है कि कोई आपको फ़ोन कॉल करेगा, बोलेगा कि यार मैं ये जीजा बोल रहा हूँ या ये दूर का रिश्तेदार बोल रहा हूँ, पहचान गए, पूरा फ्रेंडली बात करेगा। तुम बोलोगे हाँ, कॉल में सुना दूंगा आपको रिकॉर्ड, जो जिसके साथ स्कैम हुआ है ना उसका ऑडियो उसने एक भेजा है बात करके आपस में फैमिली मेम्बर से, तो वो लास्ट में देख लेना। और उसके बाद वो रिलेटिव बन के कॉल करेगा कि मैं ये जीजा बोल रहा हूँ, हमने कभी मिला नहीं, हमें पता है यार बिज़ी हो गया था लाइफ में, ये हो गया था, मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया, और प्लीज़ मेरी मदद कर दो। और मदद जो मैंने पहला टॉपिक में बताया कैसा हुआ, वो सारा स्कैम इधर उधर करके, रिक्वेस्ट करके, पेमेंट QR कोड वाला, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, फिर तुम पे कर दोगे। बस ये फ़ोन कॉल से होता है, एक फ़ोन कॉल से होता है फ्रॉड। बस मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ कि कोई भी रिश्तेदार यदि कॉल करे बनके, तो पहले कंफर्म करो यार कि रिश्तेदार है भी या नहीं है। तुम पूछ नहीं पाओगे अपने रिश्तेदार से जिसने फ़ोन कॉल किया है बार बार कि हाँ भाई कौन हो कौन हो, ये तुम्हें ख़राब लगेगा कि यार कहीं वो रिश्तेदार बुरा ना मान जाए। बट द थिंग इज कि अपना फैमिली मेम्बर से पूछो कि यार ये रिश्तेदार कॉल किया था, ऐसा ऐसा बोल रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो तुम्हारे फैमिली वाले बता देंगे कि ऐसा रिश्तेदार है भी या नहीं है। तीसरा आता है कैशबैक। कैशबैक में क्या होता है कि एक स्कैमर आपको कॉल करेगा और ये कॉल करके बोलेगा कि मैं फ़ोनपे कैशबैक, मैं फ़ोनपे कंपनी से बोल रहा हूँ, पेटीएम कंपनी से बोल रहा हूँ, अमेजन से बोल रहा हूँ, नेटफ्लिक्स से बोल रहा हूँ, या फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ कोई, या डिश टीवी से बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी का नाम लेकर बोलेगा कि आपको कैशबैक मिला है, आप अपना कैशबैक को अभी तक क्यों अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए, या नहीं तो आपको बोलेगा कितना कैशबैक है, इस कैशबैक को अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो। आपके पास नोटिफिकेशन गया होगा, नोटिफिकेशन फिर से वही वाला है, रिक्वेस्ट अमाउंट वाला, या फिर वो कोई लिंक दे देगा। तो आप क्या करोगे कि चलो यार स्कैन कर दे रहा हूँ इसे, जो स्कैनर से स्कैन कर देते हैं या फिर उस फोटो को स्कैन कर देते हैं, और उसके बाद जो मेरा कैशबैक है वो कैशबैक ले लेंगे, और QR कोड के ऊपर अमाउंट लिखा रहेगा 9,000 या 10,000। तो यार तुम्हें लगेगा कि जो कैशबैक है वो मुझे 9,000 का कैशबैक मिला है, ये QR कोड के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है वही है, तो मैं QR कोड को स्कैन करूँगा तो 9,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे कैशबैक। बट तुम क्या कर दोगे, QR कोड स्कैन करके पे का ऑप्शन आएगा, वो कॉल में ही बोलेगा कि अरे वो पे का ऑप्शन रहता है ना वो कर दो, तो तुम बोलोगे कि अरे ये तो पेमेंट का ऑप्शन है, ये पे करने से तो मेरे अकाउंट से कट जाएगा, तो वो फिर दोबारा से झूठ बोलेगा कि अरे नहीं नहीं कटेगा, तुम्हें फ़ोन पे नहीं पता है, नया अपडेट आया है, ऐसा बहाना बताएगा, या ये बताएगा कि ये कैशबैक है, तुम कैशबैक को पे कर रहे हो अपने फ़ोन पे में या अपने बैंक अकाउंट में, तो इसीलिए पे कर दो। तुम्हें क्या लगेगा कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है, इसे शायद ज़्यादा पता है क्योंकि कंपनी से कॉल किया है ना फ़ोन पे या अमेज़न पे या कोई भी कंपनी का नाम ले, तुम यही सोचोगे कि कंपनी से कॉल किया है, तो फिर वो बोलेगा कि ठीक है, उसके बाद तुम उसको वही कर दोगे यार, पेमेंट कर दोगे, फिर वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा तुम्हारे बैंक अकाउंट से, कट के उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर तुम कॉल करो कुछ भी करो रो गाओ, वो कभी कॉल नहीं रिसीव करने वाला, कॉल रिसीव भी करेगा तो पेमेंट कभी नहीं देगा, इसीलिए तो स्कैम किया है यार। यदि पेमेंट वापस ही करना होता उसे तो स्कैम क्यों करेगा तुम्हारे साथ, पेमेंट कभी नहीं वापस करेगा, वो कुछ ना कुछ बहाना बताते जाएगा। फिर लास्ट आता है लिंक्स। आपके मैसेज में, आपके फ़ोन में बहुत सारे मैसेज आया होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि पाए इतना कैशबैक, या इस एक्टर का नाम बताओ और जीतो इतने 1,000 रुपये, या इस कार को गेस करो, गेस करके प्राइज जीतने का मौका पाओ, और वहाँ पे लिंक दिया रहता है, तो वो भी लिंक होता है रिक्वेस्ट लिंक का। और फिर जैसे ही तुम वहाँ कैशबैक का भी लिंक आ जाएगा या कोई भी लिंक आ जाएगा कि इतने अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर गया कर दिया गया है, वो लिंक कहीं से भी हो सकता है, फ़ोनपे का भी लिंक हो सकता है, फ़ोनपे कंपनी के नेम से लिंक हो सकता है, मिंत्रा के नेम से लिंक हो सकता है, अमेजन के नेम से लिंक हो सकता है,
कहीं से भी वो लिंक हो सकता है, किसी के नेम से भी, और वो रिक्वेस्टेड अमाउंट रहता है। फिर तुम लिंक को ओपन करोगे और फिर वही प्रोसीजर से तुम्हारा पेमेंट जो है वो फोन पे या गूगल पे से कट के ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस सेफ रहो और ऐसे फ्रॉड और स्कैमर से बच के रहो। और प्लीज़ यार ये वीडियो शेयर करो, तुम्हारे शेयर करने से ना लोग बच जाएंगे, पता नहीं किसके साथ कब फ्रॉड हो जाए ऐसा। तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पेज में ये वीडियो को शेयर करो, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, और जिसके जिसके साथ स्कैम हुआ है ना, और यदि फ़ोन कॉल्स आए हैं या मैसेज आए हैं या कुछ भी इनमें से हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ। और अब ऑडियो सुन लो। ये तो बहुत बार फिर तूने किया है ना उसको। तो मैंने किया ना उसको, उठा ही नहीं रहा था फिर। हाँ एक मिनट, डायरेक्टली कॉल किया और कहता है मैं जीजा बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन जीजा? तो कहते हैं गुड़िया दीदी का। मैंने कहा मैं थोड़ा आप लोग का बताया, मतलब ऐसा तुमने बोला कि गुड़िया दीदी? नहीं नहीं, डायरेक्टली उन्होंने बोला कि मैं जीजा बोल रहा हूँ। तो कहने लगा कौन? मैंने पूछा कौन जीजा? कहने लगा गुड़िया दीदी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, ऐसा बोला। तो मैंने ठीक है बोल दिया। तो फिर मैंने कहा हाँ जीजा कैसे हो? तो ऐसा पूछा। तो कहने लगा कि मेरा अकाउंट थोड़ा ऐसा, मतलब पैसे फंसे हुए हैं 25,000 रुपये, मेरा अकाउंट लिंक नहीं है, तो मैं आपके अकाउंट में कर रहा हूँ। मेरे से संदीप करके बात कर रहा था, संदीप बोल रहा था। तो सौरभ है उस पर, तो ट्रू कॉलर पे कुछ जियो करके आ रहा है। फिर तो उसने डायरेक्टली बोला कि 25,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में कर रहा हूँ, फिर तुम मुझे कर देना। मैंने कहा ठीक है कर दो। तो फिर डायरेक्टली पूछने लगा कि मिनिमम अकाउंट मतलब उसमें 1,000-1,200 होना चाहिए। मैंने कहा इतने तो है ही नहीं मेरे पास, अकाउंट चला ही नहीं रहा हूँ, 100-200 रुपये ही हैं। तो कहने लगा इसमें तो हो नहीं पाएगा, किसी दोस्त वोस्त का हो तो बता दो। मैंने इसको लगाया तो बोलता मिनिमम 3,000 रुपये हैं। तो फिर डायरेक्टली 3-4 बार कॉल आया था, उनका उठा नहीं पाया था। तो मैंने लगाया, कहता है दोस्त का नंबर, मैंने इसका दे दिया। फिर इससे क्या बात हुई बता भाई? क्या हुआ बेटा? मेरे पास कॉल आया आंटी उसका, तो बोलता है वो इसने बता दिया था मेरे को कॉल करके तेरे पास। हाँ, मैंने पहले बताया था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो वो बोलने जैसे वो बोले तू कर देना। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मेरे पास कॉल आया तो बोलता है आपके में मिनिमम अमाउंट है 3,000 से ज़्यादा होने चाहिए SBI के। मैंने कहा हाँ है, मैंने अमाउंट पूरा नहीं बताया उसे, तो मैंने बताया उसे। तो मैं आंटी उस टाइम पे किस्मत भी ख़राब, अगर मैं फ्री होता ना, मैं गाड़ी चला रहा था और ये भी करते हुए जा रहा था। हाँ, तो उसने बोला मैं एक वो भेज रहा हूँ, उसने बारकोड भेजा था उसका, अब तो उसने डिलीट कर दिया। हाँ, वो डिलीट फोन पे में डिलीट हो जाता है। हाँ, तो वो शो भी नहीं कर रहा होगा। व्हाट्सएप पे भेजा था उसने, तो वहाँ से तो उसने बोला, उसने भेजा कहता स्कैन करके अमाउंट उसके यहाँ से डला आ रहा था। तो मुझे नहीं पता था, ये बोल रहा इसने बताया था कि आदमी हो गया। मैंने कहा अलग प्रोसेस वगैरह होती होगी उन लोग की। तो मैंने स्कैन किया, अमाउंट वहाँ से डला हुआ आ रहा था। तो बोलता सेंड पे ऑप्शन दबाओ, मैंने दबा दिया। तो फिर उसने एक बार और करवाया। मैंने कहा भैया दो बार करा तो 20-20 चले गए। तो मैंने कहा भैया ये तो आपके में जा रहे हैं। हाँ, कहते आप गलत कर रहे हो, आप वो क्या कहते पेन पहले क्यों डाल रहे हो, अब कितना बचा आपके में? मैंने बता दिया। ऐसे करते हो, ठीक है। जस्ट वेट वेट भैया, आपने उनसे ये नहीं पूछा आपका नाम क्या, आप कहाँ से बोल रहे हो, बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं ली। इट्स योर फॉल्ट। ठीक है चलो, वो सब वो पता है क्या है, वो आपके साथ फ्रॉड हुआ, अभी हमने उससे बात करी है, ठीक है, बहुत गाली गलौज हुई है अभी। रिकॉर्डिंग सीधे वो बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, जो करते बने कर लो। उसके बाद वो, और ये फोन पे वाला बता रहा ना, फोन पे वाला कितने लोगों के साथ हो चुका है पता है, कितने लोगों के? वो बोल रहा है क्या, अब चलो ठीक है, मैंने बोला भैया वो जिस लड़के के ने आपने कर, वो मेरा भाई है, और वो अगर खुदकुशी करता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? बोलता है जो करना है कर लो, और मैं दूसरा बकरा फंसाऊंगा उसके रिकॉर्डिंग में। मैं अब जा रहा हूँ दूसरे बलि का बकरा बनाने। अब एक काम करो, उसी के नंबर से कॉल कर लो, आप बात कर लो, क्योंकि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं बता, वो मुझे बोल रहा था किस पे भेजूं, मिनी स्टेटमेंट निकलवा, एटीएम में निकल, मिनी स्टेटमेंट क्या निकला सामने दिख रहा, सौरभ जैसा कुछ है। वो बात कर पुलिस में जाओगे ना, पुलिस के पास, पुलिस बोलेगी आपकी गलती है। बोलिए एक मिनट रुको, यही बात है। अब इनके नंबर से नहीं, आपके पास कोई और नंबर है? वो कॉल कर रही है, उसमें उठाएगा नहीं उठाएगा। तुम्हारे अकाउंट में होना चाहिए तभी वो तुम्हारा पैसा ले सकते हैं।
हमें ऐसे कितनी 75 कॉलें आई हैं, ऐसी ऐसी आती थी। एक बार भी हम लोग पूछ लेते कम से कम हम लोगों से। वही गुड़िया दीदी वो कह रही है, हमने गुड़िया को फोन किया, बोली गुड़िया को एक बार तो नंबर चेक कर लेना चाहिए था, हाँ, कि गुड़िया का नंबर है कि नहीं है। लग रहा दिमागी काम लेके एक बार हम लोग से पूछता कि जिया जी कॉल। और संदीप इनका नाम कैसे जाना ट्रू कॉलर से? मैंने कहा तुम्हारी तो बात में समझ गई, लेकिन अब वो क्योंकि इसने तुमसे बोला तो तुम्हें लगा उसी आदमी का कॉल है। वो लोग कह रहे कभी हम लोग को किसी इनके घर का किसी का ही नंबर नहीं है उन लोग के पास में। हां मेरे दीदी जी के पास दोनों के पास ही कहां नंबर है उन लोग का, है ही नहीं। कभी फोन किया उन लोग कभी तुमको? तो आपको ना ट्रू कॉलर में चेक करना चाहिए ना। वो पता स्पैम में शो कर रहा होगा, स्पैम शो कर रहा है ट्रू कॉलर में। इसने बताया तुरंत हमने कॉल किया, उस कॉल पे तुरंत शो कर रहा है। फिर अब वो बता रहा है इधर ही भोपाल का भोपाल का बोल रहा है, भोपाल का ही बता रहा है वो, बिहार बता रहा है लेकिन भोपाल नहीं। फर्स्ट टाइम में भोपाल बोला उसने, वो जब हम लोग ने एकदम फर्स्ट टाइम फोन किया ना तो भैया वकील से तुमने शेयर करा है, कुछ नहीं हो सकता इस पे। आप ओटीपी बोले क्यों दिया? ओटीपी नहीं दिया थी। हाँ ओटीपी नहीं, वो बारकोड आता है फोन पे में ना। हाँ वो मुझे पता है वो वाला, क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ गाड़ी चला रही थी। स्क्रीनशॉट ले लेते ना तो पैसा दुनिया में किसी कोने में। मम्मी तुमसे तुम्हारी कोई बिना पूछे तुमसे कोई चीज ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो तुम मैं तो ये कहूंगी एक बार तुम उस आदमी से बात करो, एक बार करो। अब बाहरी बात लाओ, मैं इससे करूँगा। एक बार चले गया थाने चले। हाँ मम्मी तुम ले लो, बस इतना बता दो आप, हमारे 55,000 रुपए गए। बोला नहीं दे।